वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ये क्रिएटिविटी ऑफ द डे के सीरीज में। आज तीसरा दिन है जिसमें हम जानेंगे कि ये जो कॉलीफ्लावर हम पॉली बैग में लगाए हैं उसके केयरिंग के बारे में जानेंगे। और थोड़ा ये चूंकि हम ये वीडियो नहीं बना पाए थे शुरू से, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे कि ये कैसे हम इसको लगाएं और ये कैसे बड़ा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते। आज का हमारा काम है कि इसको थोड़ा सा फिलअप करना, थोड़ा इसके और जड़ में हम आज मिट्टी देंगे, है ना, क्योंकि इसके जड़ में मिट्टी थोड़ा डालना ज़रूरी होता है, उसका ग्रोथ थोड़ा जल्दी जल्दी होता है। तो आज जो है हम मिट्टी डालेंगे, इसलिए इसको जो हम लगाए थे ना जब छोटा, तो अंदर करके ये पॉली बैग 10x10 का पॉली बैग है, देखते हैं कोई भी हो पाता है कि नहीं इसमें, मेरे ख्याल से हो जाएगा। तो इसके लिए हमने सेलेक्ट किया, इसलिए इसका पेड़ का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, ये देखिए काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी। तो इसमें आज हम लोग मिट्टी डालेंगे। तो आज का काम ये है, और पहला का काम में हमने देखा था कि उसको हम पहले दिनों के वर्क में हमने कोबी लगाया था ऊपर वाले फील्ड में, और दूसरा दिन में हमने देखा था कि खेत में जो होता है उसको कैसे सेम इसमें मिट्टी डालना होता है, मेरे अथी में इसमें यहाँ तक इसके जड़ में उठा के, ताकि इसका ग्रोथ अच्छा हो। तो आज हम पॉली बैग में जहाँ जहाँ कम है सब जगह थोड़ा मिट्टी डालेंगे, फिर जो है आपको इसके शो करेंगे ये कैसे क्या होता है। और भी एक काम है आज के दिन में, उसको भी आपको हम शो करेंगे कि आज हमने क्या क्या चीज़ें को डिसाइड किया है। तो पहला ये वर्क डिसाइड हो गया, और दूसरा वर्क हमारा जो है एक और है, उसके बारे में बताते हैं। तो और दूसरा वर्क है कि हमने ये कड़ी पत्ता कहीं से लाया था, ठीक है, कहीं ऐसे बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, मेरे रिलेटिव के यहाँ हैं बहुत सारे, तो इसको हम इस पॉली बैग में लगाएंगे, इस कप में लगाएंगे। वो भी कप, इस कप का अरेंजमेंट हम ऐसे करते हैं कि कोई वेस्ट के रूप, जैसे किसी भोज वगैरह में तैयार हुआ उसको, वहाँ से हम उसको उठा के ले आते हैं, ताकि जो है उसका सही तरीके से हम यूटिलाइज हो जाए। क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट का ये मेन मोटिव है कि जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज कर पाए। तो ये जो कप लाया हुआ है किसी न किसी भोज का है, जैसे भोज गांव वगैरह में होता है, तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ये कप जो है जो लोग फेंक देते हैं उसको बिछवा के मंगा लेते हैं, और उसमें ये इसको लगाएंगे। कभी कभी अगर नहीं होता है तो इसको हम मजबूरी में कभी कभी ख़रीद के लाते हैं, लेकिन मोस्टली हम कोशिश करते हैं ये कप जो है वहीं आसपास चीज़ों से हम उठा के लें, ताकि इसका सही यूटिलाइज हो जाए। तो आज ये भी एक मेरा काम है, तो उसको भी हम लोग लगाएंगे। और जब ज़रूरत पड़ता है तो हम लोगों को कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम या मुफ्त में, क्योंकि ये तो हमारा कोई बिजनेस नहीं है, तो उन चीज़ों को हम दे देते हैं लोगों को, ठीक है। तो ये है, ये काम है, तो लग जाएगा, फिर हम आपको शो करते हैं लगाने के बाद कितना प्यारा लगता है। तो इसके लिए टाइम लगेगा, बट उन सारे चीज़ों के बीच लगने के बाद हम आपको शो करेंगे ये दो काम है कैसे लगता है उसके बाद, ओके। और इसके लिए जो मिट्टी हमको चाहिए, ये देखिए क्या होता है ना कि कुछ हमको फर्टाइल मिट्टी जो है उसके जड़ में डालना पड़ता है किस तरह के, ताकि जो जिसकी फर्टिलिटी अच्छी हो। तो ये फर्टाइल मिट्टी हमने खुद लीफ कंपोस्ट से तैयार किया है, इसको हमने तत्काल यहाँ रख दिया था घर में छाव में, तब तक ये रखा हुआ है। तो ये फर्टाइल मिट्टी अब लास्ट ही थोड़ा ही बचा हुआ है मेरे पास, तो इसको हम लोग डालेंगे। तो ये एक फर्टाइल मिट्टी है, और कुछ मिट्टी मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, इसको दोनों को मिक्स करके, आपको पता नहीं चल पा रहा होगा इसमें जो है कुछ चीज़ें हैं, तो हमारे पास पहले से इसको मिक्स करके, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसको मिक्स कर दिए हैं। अब इसको मिक्स करके हम उसके जड़ में डालेंगे, देखिए कितना सॉफ्ट है। ये ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस तरह के काम आप करते हैं तो प्लांटेशन संबंधी, तो लगभग 50% आपका जो कंपोस्ट होता है 50% गार्डन सॉइल में मिक्स करके, देखिए इसको हम क्या करते हैं, मिक्स कर दिए ऐसे ऐसे करके मिक्स कर दिए, ठीक। और ये मोटा मोटा पार्ट हम, वैसे मोटा पार्ट चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मगर हटा देते हैं तो उसका ग्रोथ ठीक ठाक अच्छा होगा, उसके डिस्टर्बेंस नहीं होगा। देखिए कितना अच्छा से ये मिल गया मिट्टी, देखिए कितना भुरभुरी हो गया, इस तरह से तैयार हो गया आपका मिट्टी, ऐसे करके तैयार हो गया ये मिट्टी, इस तरह से तैयार किया जाता है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको आप छान लेंगे, ठीक, इसको हम फिर ले जाके उसमें हम डाल देंगे, ठीक है, उसके ऊपर हम डाल देंगे। तो ये हमारा फिर पॉली बैग वाला आज का काम ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा कुछ पॉली बैग हमने सुबह में भी थोड़ा सा टाइम निकाल के हमने पॉली बैग में डाल दिया था, ज़्यादा टाइम नहीं, बीच में मुझे गैप मिलता है तो हम थोड़ा सा चीज़ों को कर लेते हैं, जो अत्यंत आवश्यक लगे उसको हम कर लेते हैं। और बाकी जो है ये देखिए कितना प्यारा तैयार हो गया सॉइल,
अब इसको हम किसी चीज़ में ले लेंगे, ले जाके फिर ऐसे, ठीक है मेरे पास ये गमला है जिसमें इसको रख लेते हैं, इसके बाद इसको हम ले जाते हैं। ठीक, ये है आपका गमला, हो गया मिट्टी हमने ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसमें हमको ध्यान से देखिए, इसमें अगर हमको डालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए इसके जड़ में ऐसे करके हम लोग डाल देंगे। ठीक, ऐसे करके मेनली, और जगह हो नहीं हो, अगर आपके पास मिट्टी कम है तत्काल तो भले पूरे में मत डालिए, नहीं तो एटलीस्ट कम से कम इसके जड़ के पास ज़रूर आप डाल दीजिए। ये इसका तरीका है। तो आपका कोबी जो है अच्छा ग्रोथ होता है, तो टाइम टू टाइम आप क्या कीजिए, इसके जड़ में, अगर फील्ड वाला है तो उसको भी हमने इसलिए कल ठीक किया था जो है ना, उसके जड़ में मिट्टी को जो काफ़ी दिन हो गए थे उसमें टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसको हमने ठीक किया था। और ये वाला देखिए ठीक करके ऐसे देखिए, इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, पूरा डुबा देते हैं, इसमें डुबा दिए, हो गया ये काम। तो इस तरीके से हम काम कि बाकी साइड वाला हम ठीक है, मिट्टी खुद ब खुद जो है धीरे धीरे, क्योंकि बरसात का मौसम है, अर्ली फार्मिंग के अंतर्गत हमने इसको कमर्शियल फार्मिंग का एक रिसर्च पे काम शुरू किया है, ये देखते हैं कि कैसे इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। इस ये क्रिएटिविटी ऑफ द डे के अंतर्गत हम ये कमर्शियल फार्मिंग पे थोड़ा सा काम करना चाह रहे हैं कि हम अर्ली फार्मिंग में चीज़ों को कर सकते हैं कि नहीं, ये मेरा पहला वो है, तो इस पर हम काम इस बार सीख रहे हैं, देखते हैं कि क्या भविष्य में इस पर काम किया क्या कैसे किया जा सकता है, इसलिए हमारा ये रिसर्च प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से देखिए हो गया, ठीक इस तरह से डाल दिए, इसी तरह से अगर इसमें डालना होगा, देखिए इसमें डालना होगा तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबको पहले साफ़ कर दिए, इसके भी जड़ में थोड़ा सा जहाँ तक दे सकते हैं ऐसे करके डाल देंगे। हो गया, ये अब क्या होगा, इसका ग्रोथ फिर बढ़ने लगा, जैसे जैसे अब ये ग्रोथ होगा तो इस पॉलिथीन भी मुरा हुआ इसको हम बड़ा कर देंगे, और तो अभी नहीं करने की ज़रूरत है, बाद में फिर हम आपको दिखाएंगे कि अगर हमको ज़रूरत पड़ेगा तो उसको हम बड़ा करके मिट्टी डालते जाएंगे। इसलिए हमने काफ़ी नीचे लगाया है कोबी को, कोबी में ध्यान रखना पड़ता है कि नीचे लगाया है कोबी को, इस तरह से देखिए हो गया, ये सिंपल सा टेक्निक। तो इस तरह से हम आपको ज़्यादा वीडियो नहीं लंबा करना है, आपको बस सीखना है चीज़ों को, मेरे पास तो और भी काम है, तो आज वाला ये जो है पॉलीबैग का यही काम है, तो आपने आज देख लिया इस पर, ठीक है अभी अब हम करी वाले पे चलते हैं। तो फाइनली हमने सारे को ठीक कर दिया, देखिए कितना प्यारा अब लग रहा है, कैसा लग रहा था, कितना प्यारा प्यारा इसको जो है ये लग रहा था। तो ये है, यही देखिए क्या होता है ना कि ये चूंकि मेरा शौक है, तो आप क्या होता है ना कि कोई भी शौक रखें तो उसको प्रेम से आप चीज़ों को करें, आपके पास पढ़ाई लिखाई अगर करते हैं या आपके घर में घर गृहस्थ हैं तो उसके आप अलावा अगर आप कुछ काम करते हैं तो आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से हम आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताएंगे कि कैसे जो है आप चीज़ों को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसमें फ्रूट तो आएगा ही आएगा, लेकिन फ्रूट आए नहीं आए, सबसे पहला बात क्या है ना कि जो देखने में जो लगता है ना, इसी से खुशी मिलती है, यही है क्रिएटिविटी, यही है सृजनात्मकता। इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे और जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे। चलिए और ये है आपका कड़ी वाला। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि पहले इसमें मिट्टी भर देते हैं आपको थोड़ा सा, ठीक है थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी भर देते हैं, अभी मेरे पास हैंड्स में कैमरा इसलिए एडजेक्ट नहीं दिखा सकते, मिट्टी भर दिए इसको सारे में, अभी मेरे पास ये पैकेट कम है इसको हम मंगवा नहीं पाए हैं, या मेरे पास अरेंजमेंट थोड़ा सा कम है, तो जितना में आज हम लगा देते हैं, तो इसको लगा देंगे इस तरह से, मिट्टी भर देंगे, देखिए जैसे मिट्टी हो गया, मिट्टी भरा गया, जैसे मिट्टी भर गया, इसके बाद क्या करेंगे एक एक हम इसको लगाएंगे ऐसे डाल के, ठीक है इसको, इसके बाद जो है इसमें मिट्टी डाल डाल के, फिर लगाने के बाद हम आपको शो करते हैं ऐसे क्या करेंगे हम, ऐसे डाल के इसमें मिट्टी, फाइनली हमने इसको लगा लिया है, देखिए इतना प्यारा, इसमें थोड़ा सा पानी, मेरे पास ये स्प्रेयर है पानी देने वाला, ठीक है इसके माध्यम से हम थोड़ा पानी दे देते हैं, देखिए इतना प्यारा प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर, यही तो सुंदरता है, यही तो आप नेचर से जुड़ जाते हैं तो बहुत प्यारा लगता है आपको, बहुत सुंदर अनुभव है जीवन का, सुंदर अनुभवों में से एक है। तो आप इसको देखिए समझिए कितना प्यारा प्यारा लग रहा है, देखिए
पानी देने के बाद कितना प्यारा प्यारा सुंदर से, इसमें थोड़ा और पानी दे देंगे क्योंकि ये पहली बार इसमें डाल रहे हैं हम पानी। तो ये बात है कि इस तरीके से हम कोबी वाले में ज़रूरत नहीं है, कोबी वाला हम अभी दिखाएं इसलिए क्योंकि अभी यहाँ बरसात का मौसम है तो खुद ब खुद उसमें पानी आ जाता है, बट हम थोड़ा सा उसमें स्प्रे मार देंगे ताकि आपको रात में थोड़ा ठंडा देखने में अच्छा लगेगा। तो फाइनली हमने इस पर देखिए पानी का स्प्रे कर दिया है तो कितना कितना प्यारा प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो आज का ये आपको इस चीज़ों के बारे में आपने जान लिया है कि इसको हम लोग केयरिंग करते हैं। शुरू से हमने वीडियो को थोड़ा सा नहीं दिखा पाए लेकिन आप किसी न किसी वीडियो से माध्यम से जान लेंगे कि हम कोबी का प्लांट कैसे लगाते हैं। टेक्निक वही है, बस कुछ बेसिक्स टेक्निक्स को याद रखना है, जैसे इसमें जड़ को देना, इसके सीडलिंग से लेकर हर, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे ना कि तो इसमें हम सारी चीज़ों को चर्चा, जैसे इस वीडियो में पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर सीडलिंग कैसे तैयार करते हैं, तो इसमें हम लोग जाना कैसे केयर पॉलीबैग में करते हैं, इससे पिछले में हमने जाना कि कैसे इसको लगाते हैं, इस तरह से आप सीखते जाएंगे, हर चीज़ के बारे में सीखते जाएंगे। चलिए ओके थैंक्स।